इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, प्रश्नावली 9.3 क्लास 9th मैथ्स। तो यहां पे गिवन क्या है, देखो ए बी सी डी ई एक पंचभुज है, पेंटागन। इन्होंने सम पंचभुज यानी रेगुलर पेंटागन नहीं बोला है, यानी ये साइड इक्वल नहीं है, बस ये एक पेंटागन है, एक पंचभुज है। अब एक लाइन ड्रॉ की गई बी से एफ की ओर इसके समांतर, और इसको आगे बढ़ाया गया है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, और इसलिए मैंने यहां पे ये मार्क लगा रखा है ताकि हमारे माइंड में ये रहे कि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं। हमें पहले तो ये प्रूव करना है कि ए सी बी का जो एरिया है, ए सी बी इसका जो एरिया है वो ए सी एफ के बराबर है, ए सी एफ के बराबर है। और दूसरा हमें प्रूव करना है कि ए ई डी एफ, ए ई डी एफ इसका जो एरिया है वो ए बी सी डी ई के एरिया के बराबर है, ए बी सी डी इसके बराबर है। तो देखो पहले प्लानिंग करते हैं कि इसको करेंगे कैसे। ए सी बी, ए सी बी यानी इस त्रिभुज की बात हो रही है, ए सी एफ यानी इसकी बात हो रही है। अब देखो इनके एरिया बराबर क्यों हैं? ये तो एकदम सीधा साधा है, ये दोनों एक समान आधार पर हैं, यानी देखो ये त्रिभुज हो और ये त्रिभुज, ये दोनों एक समान आधार पर हैं, साथ में समान समांतर रेखाओं के बीच में हैं, तो ये तो पक्की बात है कि इनके एरिया बराबर हो गए। तो पहला तो सीधे आ जाएगा एक ही लाइन में। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसमें हम इस वाले को प्लस कर देंगे, केवल जो इधर वाला है लेफ्ट की तरफ ये जो है, तो क्या मिलेगा हमें, ए बी सी डी ई मिलेगा। और अगर हमने इसमें ये प्लस किया तो हमें मिलेगा ए ई डी एफ। ओके ऑलराइट, तो अब इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखो जो मैंने आपको बताया था उसी को बेसिस लेके हम चलेंगे। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए सी बी और त्रिभुज ए सी एफ एक समान आधार ए सी, ठीक है ना, ए सी बी और ए सी एफ एक समान आधार ए सी पर बने हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच स्थित हैं। ठीक है ना, एक समान आधार और ये दोनों समांतर रेखाएं, तो समान समांतर रेखाओं के बीच में ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है, इसीलिए इनके एरिया बराबर होंगे। बस इतना ही लिखना है, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब हम दोनों, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब दोनों में हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। देखो हमारे पास ऑलरेडी है ए सी बी बराबर ए सी एफ, इसका एरिया और इसका एरिया बराबर है, दोनों में हम ए ई डी सी जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम एक ही जैसी चीज दोनों तरफ ऐड करते हैं तो उससे उस पर वो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, हम कर सकते हैं ऐसा। तो हमने इसे दोनों तरफ प्लस कर दिया, आप देख सकते हैं सेम चीज प्लस की। अब इससे क्या रिजल्ट मिला, ए सी बी में जब हम प्लस करेंगे ये तो क्या हो जाएगा, ये ए बी सी डी ई पूरा मिल जाएगा हमें, और इसी प्रकार से अगर हम ए सी एफ इसमें प्लस करेंगे ये तो हमें ये पूरा मिल जाएगा, ए ई डी एफ। ओके, और यही प्रूफ करना है, बस इधर उधर लिखा है, हैंस प्रूफ्ड। ऑलराइट, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।